Faraj! 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 द्वार देव की क्या ये द्वार भी प्रभु की लीला अपरंपार है। सारे साधन प्रभु ने स्वयं ही संभव कर दिए। मुझे तो केवल इन्हें भाई नंद के घर तक ले जाना है। देवकी, मैं समझ सकता हूं अपने पुत्र से बिछड़ना तुम्हारे लिए कितना कष्टदायक होगा। लो, इन्हें एक बार अपनी गोद में ले लो। एक बार इस माँ ने अपने पुत्र को अपने हाथों में थाम लिया तो फिर स्वयं से दूर नहीं कर पाएगी। अब मैं इन्हें अपने हृदय से तब लगाऊंगी जब ये मेरे पास वापस लौट कर आएंगे। जाइए स्वामी, हमारे पास अधिक समय नहीं है। जाइए। रख चट्टान कलेजे पर पुत्र विमुख हुई माँ कोख से जिनकी जन्म ले थे धन्य परमात्मा। दूध भी नहीं पिलाया था, इतनी दूर भूखा ही भेज दिया। व्याकुल मैया से पर मा
को छोड़कर पीड़ा में, पर माँ को छोड़कर पीड़ा ही लीला है। तब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। भटकने लगे वसुदेव, अंधकार चहु सामने संकट गोद में हृदय की डो दृश्य देख घबराए देव हुए खड़े सर जो कैसे करें
प्रभु को लक्ष्य कर, मही की ममता उमड़ आई, विपत सम्मुख देख के वे पाताल से उभर आई, वे पाताल से उभर आई। यमुना तो उफान पर है, ऐसे में पार जाने का प्रयत्न करना प्रभु के लिए सुरक्षित नहीं होगा। आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाइए और वहां गोकुल में अपने भाई नंद के संरक्षण में मुझे छोड़कर उनके यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ ले आइए। प्रभु ने स्वयं को गोकुल ले जाने का आदेश दिया है तो सुरक्षा भी यही करेंगे। कोमल से तन को वर्षा लगे कटार, देख दौड़ चले आए शेष मन प्रभु सेवा को जग रक्षक पर, रक्षा की छतरी छाई, पीछे पीछे चले शेष बनकर प्रभु की परछाई। आप सभी की भांति मैं भी शुभ कार्य में प्रभु का सहायक होना चाहता हूं। मैं वरुण, जल तत्व के संचालन का अधिकार है मुझे, किंतु गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों दिव्य नदियों के जल पर इन्हीं तीनों देवियों का नियंत्रण है। इस परिस्थिति में केवल देवी यमुना ही सहायता कर सकती है। देवी यमुना के आह्वान में तो समय लगेगा, तब तक वासुदेव जल के भीतर जीवित कैसे रहेंगे? वसुदेव के पग थमे जब जल आया ऊपर शीश, डरे देव बोले दो रक्षा जब किया प्रभु चरणों का स्पर्श।
दिया। सब में छाया हर्ष। वर्षा थमी, बादल छटे, आकाश में चमके तारे, पंचतत्व सहाय बने। अब वरुण चरण पखारे, आपकी महिमा को प्रणाम नारायण। लीला अद्भुत है प्रभु। अपने पुत्र की प्राण रक्षा के लिए मैं एक निर्दोष बालिका को उसकी मां से दूर मृत्यु के मुख में कैसे ले जाऊं? जो हो रहा है मेरी ही लीला है। अब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। किंतु जिस कार्य के लिए श्री नारायण ने मुझे स्वयं आदेश दिया है उस पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है मुझे। हरे हरे।
मुझे क्षमा करना कन्या, मैं श्री नारायण का दास हूं, ये इन्हीं की लीला है और इन्होंने तुम्हें यहां से ले जाने के लिए कहा है, तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। रुदन सुन मैया का हृदय इतना तड़प उठा कि मरणावस्था भी उन्हें रोक ना पाई, उनके तन में प्राण लौट आए। उधर मथुरा में कंस देवकी और वसुदेव की आठवीं संतान के प्राण लेने पहुंच गया। शिशु मुझे सौंप दे देवकी। नहीं, क्या अनुचित है? अनुचित है? सत्य कह रही हो देवकी, पर यही श्री नारायण की इच्छा है और हमें उनकी लीला पर ना प्रश्न करना चाहिए और ना ही संदेह। वचन के अनुसार अपनी आठवीं संतान मुझे सौंप दो वसुदेव। बोध कन्या आठवीं संतान, तू क्या मेरा विनाश करेगा? एक एक तेरे सामने तेरा काल खड़ा है।
काल, काल तेरा अवतरित रूप है उसका पाल। भय जिसका अस्त्र था, आतंक जिसका शस्त्र था, जो सभी को डराकर अब तक उनके मन मस्तिष्क पर राज करता आया था, देवी योग माया ने उसे ही आतंकित कर दिया। कंस के हृदय को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी भयभीत कर दिया। मैं वरदान देता हूं, आज के बाद जो व्यक्ति किसी भी विपदा में देवी योग माया को, दुर्गा, भद्रकाली, विजया वैष्णवी, कुमुद चंडिका, कृष्णा माधवी, कन्यका माया, नारायणी ईशानी, शारदा और अंबिका, उनके किसी भी नाम अथवा स्वरूप में स्मरण करेगा, उसके हृदय से भय तुरंत मिट जाएगा और उसके शत्रु का हृदय भय से व्याकुल हो जाएगा। यदि शत्रु भारी पड़ने लगे, पराजय सामने दिखाई देने लगे, तो उसी क्षण शत्रु के पैरों को पकड़ के अपने प्राणों की भिक्षा मांग लो। देवकी बहन, मुझे क्षमा कर दो। कुंवर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे त्रुटि हो गई। ये क्या कह रहे हैं? क्षमा मांग रहा हूं मैं, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, बहुत बड़ी त्रुटि। कंस के हृदय में भय व्याप्त था, किंतु मैया यशोदा के हृदय में थी ममता, जो उनकी आंखों से आंसू बनकर छलक पड़ी थी। इसी ममता के साथ वो दोनों एक दूसरे को न जाने कितनी देर तक देखते रहे। पुत्र के साथ साथ मैया का भी नया जन्म हुआ था। प्रसन्नता के अतिरेक में दोनों के मन झूम रहे थे। उनके संसार में न कोई और विचार था, न कोई और व्यक्ति, थे तो बस वो दो, यशोमती मैया और उनका लाडला नंदलाला। मिलते हैं जहाँ सारे धाम, चरणों में माता के आकर झुकते हैं भगवान। तभी तो ममता अनुभव करनी आई बनकर गोपाला। यशो जो विराट है, जो अनंत है, जिसका कोई ओर छोर नहीं होता, उस समुद्र जैसी है मैया की ममता। अपने लल्ला को वात्सल्य भाव से निहारते निहारते संपूर्ण रात्रि बिता दी इन्होंने। प्रभु,
मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ कीजिए ना प्रभु। मैं क्या करूं देवी? प्रभु आप तो सर्व ज्ञाता है, आप तो जानते ही हैं प्रसव की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है। सामान्य पुरुष जिस पीड़ा का अनुमान भी नहीं लगा सकते, यशोदा मैया ने उस अकल्पनीय पीड़ा को सहा है। अब उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। पलकन के पट खुलन लगे हैं, सपन के पंछी उड़न लगे हैं, पुष्पन के मुख मुस्कान पे खिल गो, गोकुल नई भोर से है धुल गो, निर्मल निश्चल रोशनी के रंग सूरज है लायो जी, प्रथम पहर आयो जी। गोपी गैया मोर चिरैया, लालन थपक जगाओ सरल निर्गुण है जीवन, जन जन के मन भायो जी, प्रथम पहर आयो जी। श्री हरे जय बालक। माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला।
तुझे स्वप्न ना है, लल्ला है मेरा। यही तो है आनंद, परम आनंद। मेरी मैया, कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। तुझे पता है, तेरी मैया बनने की प्रतीक्षा में कब से व्याकुल थी मैं। तुझे पता भी है तेरे बिना इतने वर्ष कैसे काटे मैंने। अब तू आ गो है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तुझे पता है, तेरी मैया बनने की प्रतीक्षा में कब से व्याकुल थी मैं। तुझे पता भी है तेरे बिना इतने वर्ष कैसे काटे मैंने। मैं और यशोमती मैया एक दूसरे के साथ हृदय से जुड़ेंगे, इसीलिए समस्त संसार में ये दोनों अलग अलग नहीं है प्रभु। मैया यशोदा और इनका लल्ला एक ही आत्मा, एक ही प्राण है ये। शिशु की करुण पुकार पर लौटे माँ के प्राण, जीत गई जीवन से जो मान गई थी हार। पर कर दर्शन श्री वत्स के चौक गई दिव्य निशान ये कैसो है लल्ला, कैसो है श्रीहरि। चेखा है मेरे लल्ला की छाती पर, रोहिणी जीजी, रोहिणी जीजी। यशोदा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? रोहिणी जीजी, ओह मुझे अपना सत्य प्रकट नहीं करना चाहिए, वरना मेरी भोली भाली मैया डर जाएगी। तो देखो उसकी कैसे मीच रहा है। मौसी काल तो देखो, गुलाब की फूल की तरह लाल लाल। सब ठीक ही है, लल्ला की प्रसन्नता में ना जाने क्या कल्पना कर लो मैंने। यशोमती बहुत बहुत बधाई हो, बच्चा बहुत प्यारा है। देखो तो कैसे मुस्कुरा रहा है। हाय यशोदा, तुम तो मैया बन गई। क्यों यशोमती मैया के नंदलाल? यशोदा भाभी मुझे दो ना,
स्वयं को तो संभाल नहीं सकती, लल्ला को संभालेगी। बालक कैसे उठाते हैं पता भी है तुझे? यशोदा मुझे दे दो। ना ना संकरी मौसी, लल्ला तो पहले मेरे पास ही आवेगो, अपनी कस्तूरी के पास। चुप कर, सजने धजने के सिवा आता है क्या तुझे कुछ? सबसे पहले तो लल्ला को मैं लूंगी। मौसी आपके घुटनों में पीड़ा रहती है, मुझे लेके दो ना कोर्ट में। ना ना भाभी, आप ना किसी की मत सुनो, लल्ला को मुझे दो। नहीं मुझे लेना है। नहीं मैं लूंगी, नहीं मैं लूंगी। क्या कर रही हो तुम सब, चिल्लाना बंद करो। माता और बालक दोनों को असुविधा हो रही है। यशोदा तुम्हें यशोमती मैया बनाने वाला आ ही गया। सागर की तरह अपने भीतर संसार भर के तूफान को समेटे हुए हैं ताई जी, किंतु फिर भी कितनी धीर गंभीर, कितनी शांत है। नंदलाल ने जन्म लिया है। अरे नंद जी को किसी ने सूचना दी? अरे हाँ, कोई तो मेरे पतिदेव को बुला दो। इस शुभ समाचार का सबसे पहला अधिकार तो उन्हीं का है। शीघ्र जाओ, श्री विष्णु जी के मंदिर में मिलेंगे वो, उनसे कहना शीघ्र नंद भवन पधारे। हमारी यशोमती अब मैया बन गई है। नंद जी के यहाँ लल्ला जो आया है। अभी तो पूरे गोकुल को ज्ञात नहीं हुआ है, वरना इन गायों की भांति संपूर्ण गांव नंदलाल के दर्शन के लिए नंद जी के पीछे पीछे चल पड़ता। सत्य कहूं तो आपके बाल रूप के दर्शन के लिए मैं भी अत्यधिक उत्साहित हूँ। तो फिर देर किस बात की है प्रिय? मैया की गोदी में प्रभु खेल रहे सुख से, हुई भाव विह्वल लक्ष्मी इस दृश्य मनोहर से, इस दृश्य मनोहर से। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप माँ के प्रेम के लिए क्यों तरस रहे थे। संतान के रूप में आपके लिए यशोमती मैया की ममता से परिपूर्ण इस अद्भुत क्षण से अधिक आनंददायक और क्या हो सकता है? आप दोनों में से कौन अधिक प्रसन्न है ये कहना अत्यंत कठिन है। मैया और लल्ला की इस अनोखी जोड़ी को कहीं मेरी ही न दृष्टि लग जाए। मैया तेरे सामने अब तू न जाने कहां देख रहा है। इधर देखना तेरी मैया की ओर। अच्छे काजल का टीका कब लगाऊं मैंने? देखा लल्ला, तेरी मैया तेरे आने से कैसी बावली हो गई। अवश्य काला टीका मैं नहीं लगाऊंगा कि तुझे किसी की तेरी दृष्टि ना लग जाए। आज
गोकुल का भाग खुल गयो क्योंकि क्योंकि भविष्य ने वर्तमान में पांव पसारे हैं और नंदराज के घर नंदलाल पधारे हैं। ब्रज बगिया में नई कली खिल गई है, ब्रज बगिया में नई कली खिल गई है और यशोदा जी मैया बन गई है, यशोदा जी मैया बन गई है। अरे सुनो तो, यशोदा को लल्ला हुआ है। लल्ला? हाँ, नारायण की बहुत बहुत कृपा। भाग खुल गए उसके तो। सच्ची? बिल्कुल वैसा ही देखते जैसा स्वप्न में देखा था। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं तब से यही सोच रही थी। कौन हो तुम? मैं हूँ श्री विष्णु का अवतार। तो क्या अब तुम विश्वास करोगे? यह लल्ला ना सच्ची में श्री हरि का अवतार। स्वप्न में तो यही कहा था उस बालक ने। और इसकी आंख, नाक, चेहरा, मोरा सब वैसा ही तो है। ओहो, यदि मैया ने सच में मान लिया कि मैं कोई साधारण बालक नहीं बल्कि अवतार हूँ तो ये मेरी पूजा करने लगेंगी, इनकी ममता भक्ति में बदल जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो मैं माँ के सहज सामान्य प्रेम का अनुभव कैसे कर पाऊँगा? सच्ची में बावली हो गई हूँ मैं। जे भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? जे तो मेरा भोला भाला सा बालक है।
वो स्वप्न था पतिदेव, ये हमारी वास्तविकता है। देखो कितना छोटा सा है ये बालक, कितना कोमल। इसे तो मेरी रक्षा की आवश्यकता है, अपने मैया के प्रेम की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा मैया, यही चाहिए मुझे। जो समस्त जग का रक्षक है, सृष्टि का नियंता है, उसे रक्षा की आवश्यकता है। सुनो जी, मेरा एक अनुरोध है, जब तक इसका नामकरण ना हो जाता है, हम इसे नीलमणि कहकर पुकारेंगे। नीलमणि नीले रंग वाला, वैसा ही जैसे हमने स्वप्न में देखा था, नहीं? नीलमणि, नाम अच्छा लगा इसे, नहीं? नीलमणि। ये सब जैसा महाराज आपके पीछे पीछे यहाँ आ गए। अच्छा, तो इसीलिए गौशाला में व्याकुल हुए जा रहे थे ये सब। इनकी भावनाएं उमड़ रही है नंदराज, इन्हें भी नंदलाल को देखना है। हमें भी तो देखना है नंदलाल को। हाँ, हमें भी देखना है नंदलाल को। नंदलाल, अरे ना ना ना, तू तो गले लग। जैसे मुझे पता लगो, मैं तो दौड़ चल आयो। बधाई हो, बधाई हो। आप तो उपनंद जी भी आ गए, आप तो दर्शन करा दिए नंदराज। अरे लल्ला के दर्शन होंगे, अवश्य होंगे, सबको होंगे, पर पहले होगा जात कर्म संस्कार। हाँ, उसके बाद लल्ला से मिलने को समय, सबको मिलेगा, सबको। षष्ठी का उत्सव मनाया जाएगा, तब तक किसी को भी अपने घर में चूल्हा जलाने की कोई आवश्यकता ना है। मेरा एक करबद्ध निवेदन, मेरा स्नेह आमंत्रण आप सभी स्वीकार करें, और षष्ठी तक आप सभी प्रातः और संध्या का भोजन हमारे यहाँ करें। धन्य हो, धन्य हो, नंदलाल पर नारायण की कृपा बनी रहे। आप सबका भी स्वागत है, हमारे लल्ला को असीमित आशीर्वाद देना ना भूलना। कहां से आ रही हैं? दुनिया? कैसी दुनिया महाराज? मूर्ख, उत्सव की ध्वनियां सुनाई नहीं दे रही क्या? अब उत्सव? क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु इस समय संपूर्ण मथुरा में किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। वो
मुझसे झूठ बोलते हो। जीवित ही अग्नि में जलवा दूंगा, स्मरण रहे। जाओ जाओ यहां से, और जाने से पहले सभी खिड़कियां और द्वार बंद कर दो। निकल जाओ। चलो यशोदा, देखो कौन आया हुआ लल्ला से मिलने। इसके ताऊ जी मिलिए हमारे बाल गोपाल से। नीलमणि, 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 देख ताऊ जी, तुमने इसे मणि कहा है नंद? ये तो सचमुच अत्यंत दुर्लभ मणि ही है। देखो प्रसन्नता की किरणें फूट रही है इससे। शीघ्र ही इन किरणों की शीतलता दसों दिशाओं में फैल जाएगी। नंद बहू, तुम्हारो ये लल्ला गोकुल की आशा को चंद्र है। पूरी प्रजा को कंस के असलीय ताप से मुक्त कराए मुझे। सही कहा ताऊ जी, अत्याचारियों का विनाश मेरे जन्म का लक्ष्य है। इसे जन्म देकर चंद्रवंश को भाग्योदय किए तुम दोनों ने। सदा सुखी रहो। अरे ना, ये तो उत्सव मनाने को समय है। अभी तो संस्कार और कर्मकांड भी करने हैं। सबसे पहले होगा जात कर्म संस्कार। चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। नाना तू लल्ला और बहू के साथ रुक, मैं सबको संभाल लूंगा। हाँ बहुत तैयारी करनी है। बरसों से हमें संतान के लिए तरसते हुए देखो है उन्होंने, इसीलिए उनका मन भरा। हमें बताई ना, परंतु श्री नारायण से वे हमेशा मन ही मन प्रार्थना करते थे हमारे लल्ला के लिए। लो कर लो बात, आप दोनों तो मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। आपका ध्यान कैसे आकर्षित करना है पता है मुझे। उनके प्रसन्नता की तो सीमा ही ना थी, उनका बस चलता तो। यही तो चाहिए था मुझे, अपने ऊपर आपका ध्यान, आपकी ममता। इसे दूध की आवश्यकता होगी। हाँ वो भी चाहिए मुझे, तीव्र भूख लगी है। हे नारायण, मेरा लल्ला बहुत भूखा है, अभी तक दूध भी ना पिलाओ मैंने इसे। सबसे पहले होगा जात कर्म संस्कार। यशोदा, जात कर्म संस्कार के बाद ही बालक को पहली बार दूध पिलाया जा सकता है। तनिक प्रतीक्षा कर लो, संस्कार हो जाने दो। नाना, अब अपने लल्ला को और देर भूखा ना रख सकती मैं। और लल्ला ही क्यों, अब मैं स्वयं को भी इसे दूध पिलाने से और ना रोक सकती। जात कर्म संस्कार बहुत ही आवश्यक संस्कार है, किंतु सुधा को कैसे रोकूं मैं। पाप नहीं है किंतु भूल अवश्य। अपने संतान की भूख मिटाना भूल कैसे हो सकती है चिच्ची? एक कर्म कांड के लिए मैं अपने संतान को और भूखा ना रख सकती। आपको तो पता है मैंने इस क्षण के लिए कितनी प्रतीक्षा की है, कितना तरसी हूं मैं। जब जब मैं संसार भर की मैया को देखती थी, अपनी संतान को गले लगाते हुए उन्हें दूध पिलाते हुए, तो मैं मन ही मन यही प्रार्थना करती थी कि मैं कब मैया बनूंगी, कब मैं अपने तन अपने रक्त से
अपने संतान का पोषण करने का अनुभव करूंगी। और आज जब ये अनुभव करने का अवसर आयो है, मेरा लल्ला सामने है, भूखो है, तो तुम मुझे रोक रही हो चीची? यशोदा, प्रतीक्षा के वो दिन बीत गए, अब तुम मैया हो और ये मैया अपने संतान का हित चाहती है ना? बहन, शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में 16 संस्कारों का विधान होता है, जिन्हें पहले ही पूर्ण किया जा चुका है जब तुम्हारा लल्ला तुम्हारे गर्भ में था। अब जात कर्म संस्कार करना है। तुम्हारे लल्ला और हमारे प्रिय नीलमणि के लिए अत्यधिक लाभदायक है ये। किसी भी कार्य को करना आवश्यक अवश्य होता है, किंतु उसे सही ढंग से करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। तुमने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की है, अब क्या अपने लल्ला के भविष्य के लिए कुछ देर और प्रतीक्षा नहीं कर सकती? मैंने सदानंद जी को सूचना भिजवा दी थी, वो संस्कार पूर्ण कराने के लिए शास्त्री जी को बुलाने उनके घर गए हैं। शीघ्र ही आ जाएंगे ना वो? बस आते ही होंगे। मैया, मैं भूखा तो हूँ पर प्रतीक्षा कर सकता हूँ। अब और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, बाहर उपनंद जी ने भी तो सारी तैयारियां करवा दी है, गोकुलवासी भी तो हमारे लल्ला के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। मैं बाहर जाकर सबसे मिलता हूँ। अब मैं भी मेरे पुत्र को देख कर आती हूँ। अवश्य भैया को अपनी त्रुटि का अनुभव हुआ होगा, तभी तो उन्होंने। नहीं देवकी, ये भूल सुधारने का प्रयत्न नहीं है, ये तो श्री योग माया की चेतावनी का परिणाम है। मृत्यु तीव्र गति से तेरी ओर चली आ रही है कांस, यदि इसे तनिक भी टालना चाहता है तो अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांग, अपने पापों का प्रायश्चित कर और निर्दोष देवकी और वसुदेव को इसी क्षण मुक्त कर, वरना अपने भाग्य का उत्तरदायी तू स्वयं होगा। हमारा अष्टम पुत्र उसे मिलता तो कंस उसे भी क्रूर मृत्यु दे देता, उसे नहीं मिला इसीलिए उसने हमारे चरण पकड़ लिए। बदलना उसका स्वभाव नहीं है देवकी, उसे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े, वो हमारे अष्टम पुत्र को ढूंढने का प्रयत्न अवश्य करेगा। मेरा छोटा सा नीलमणि, भूख बहुत अधिक कष्ट तो ना दे रही? नहीं मैया, मैं और प्रतीक्षा कर सकता हूँ। अब लग रहा है ये बढ़िया। अरे सुनो, गेंदा कम पड़ जाए तो वहां से ले आना दौड़ के, ठीक है? अरे मैया, तनिक जोरों से हाथ चलाओ, शाम को उत्सव है। जानकी कस्तूरी, तनिक शीघ्र हाथ चलाओ, यदि गोकुलवासी लल्ला के दर्शन करके चले गए तो तुम दोनों को ही इन्हें घर घर वितरण करने जाना पड़ेगा। गोकुल के प्रत्येक प्राणी का मुंह मीठो होना चाहिए, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना। जी भैया। पंडित जी आ गए क्या? जीजी, ये ठीक लग रही है ना? बस तो फिर इसके साथ की चोली और मिल जाए। इतनी देर क्यों लग रही है पंडित जी को? यहाँ मेरा लल्ला भूखो है और जैकी। सुनो 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 सुनो, शास्त्री जी पंडित सदानंद जी को लेकर घर से निकल चुके हैं, किसी भी क्षण यहाँ पहुंच जाएंगे। बस उनके द्वारा जात कर्म संस्कार के पूरे होते ही आप सभी लोग नंदलाला से मिल सकते हैं। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया करके एक एक पांच में खड़े हो जाइए। पंडित जी ना हुए महाराज हो गए, पता ना कब पहुंचेंगे।
और कितनी देर भूखा रहेगा मेरा लल्ला? मैया मुझे दूध पिलाने के लिए कितनी व्याकुल है। एक क्षीर समंदर माँ के अंदर ना ममता की था, परंपरा से बंध कर तड़पे इसके मन की चाह। सबसे पहले लल्ला को तो मैं ही देखूंगा। जशोदा और नंद जी को लल्ला हो गए और मुझे अब पता चल रहा है। चलो हटो हटो। अरे रुको रुको रुको, पीछे देखो सब पास में खड़े भए हैं। जब तुम्हारी बारी आएगी तभी अंदर जाओगी। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? कहीं की महारानी तो नहीं दिख रही वैसे, और यदि होती तो भी ये नंद राज का गोकुल है, यहाँ सभी कार्य नियम से होते हैं। चलो जाओ, जाके खड़ी हो जाओ पीछे। इतना अधिकार तो मेरे पति को भी ना दियो है मैंने। ओहो इतना अभिमान है, पांच तोड़ के लल्ला को देखने को। देखो हमारे जीते जी नहीं जाने दूंगो। चल हट। अरे रुक रुक रुक। क्यों रे, इतने प्यारे लड्डू बने हैं, जशोदा जी को लल्ला हुआ है और तू मुझे बताने भी नहीं है? अरे ढोल बज गया, पूरे गोकुल में घोषणा हो गई चाची, तुमको फिर भी पता नहीं चला? नहीं तो उल्टा मुझसे प्रश्न कर रही है। शुभ समाचार बताने तुझे घर आना चाहिए कि ना? चाची, अरे चाची, चाची। सुलक्षणा, मेरा लल्ला भूख से तड़प रहा है और पंडित जी जाने कहाँ रह गए हैं, और तू मेरे भूखे लल्ला के सामने जो लड्डू खा रही है। कितना प्यारा है ये छोटा सा भोला भाला। शीघ्र ही आपका ये विचार बदल जाएगा। अब मैं जो आ गया हूँ आपको परेशान करने। देखा जशोदा जी, देखा आपका लल्ला कितना प्रसन्न है मुझे देख के। अच्छा यशोदा, सदानंद जी शास्त्री जी को लेकर पधार गए। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, शास्त्री जी, ये है हमारा लल्ला। अद्भुत, अभूतपूर्व, ऐसा तेजस्वी बालक मैंने आज तक ना देखो। इसका जात कर्म करवाना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। शास्त्री जी अब प्रारंभ करते हैं, मेरा लल्ला बहुत समय से भूखो है। नंदराज, अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। नंदराज, अब आप लल्ला को अपने गोद में लीजिए। पंच दोष से मुक्ति हो, मिले सुख समृद्धि अपार, जन्म के बाद जो पिता करे जात कर्म संस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विष्णु, क्या लगता है तुझे कि तू मुझसे बच गया है? मुझे मूर्ख बनाकर कहीं और जन्म ले लिया तुमने, तो क्या मैं अपनी पराजय को स्वीकार कर लूं? क्या अपनी विनाश की राह में पलक पावड़े बिछाकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करूं मैं? विष्णु,
इस लौकिक संसार में अपने पुत्र का स्वागत करो नंदराज। जिस पुत्र का नाता अब तक केवल अपनी मां के गर्भ से था, ऐसे पुत्र का स्वागत जब एक पिता इस संसार में करता है तो वो कितना विलक्षण, कितना अद्भुत दृश्य होता है। ऐसे महान क्षण की साक्षी बनने के लिए मैं भी अत्यधिक उत्साहित हूं। घी और शहद में डुबो के नंद जी सोने का तार, ओम बनाकर पुत्र जीवा पर दे रहे प्रथम आहार, दे रहे प्रथम आहार। क्या हुआ मुझे? अचानक अपने भीतर इतनी शक्ति का अनुभव क्यों कर रहा हूं मैं? सामान्य रूप से इस संस्कार में पिता अपने पुत्र को पोषक तत्व खिलाता है। मानसिक तीव्रता और उत्तम स्वास्थ्य के लिए श्री नारायण से प्रार्थना करते हैं और उसे अपना आशीर्वाद देते हैं, किंतु जो स्वयं समस्त विश्व के नियंता को पोषक तत्व अर्पित कर रहा है, उसे श्री हरि से उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक बल का वरदान तो मिलना ही है। जानती हूं जे सब आवश्यक है, किंतु घी और शहद की एक छोटी सी बूंद से क्या होगा? इससे तो नीलमणि की भूख और बढ़ जाएगी। अब बस ये सब शीघ्र ही समाप्त हो जाए। अब नाल छेदन की प्रक्रिया होगी। सब हो गया। इस नाल का थोड़ा भाग सोने या चांदी के कुंडे में संभाल के रखना यशोमती, और उसे लल्ला के कमर में बांध देना। बालक की नाल में मूल कोशिकाएं होती हैं। भविष्य में इसके स्वास्थ्य में कोई भी आपदा विपदा आएगी तो ये काम आएगा। बधाई हो, बधाई हो यशोमती रानी, बधाई हो नंदराज। इतनी इतनी आसानी से विजय नहीं मिलेगी तुझे। कंस हूं मैं, महिम कंस, तेरे अवतार का वो हश्र करूंगा कि ते दाना माना सभी देखते रह जाएंगे। मारूंगा तेरा अवतार, जहां भी छुपा होगा ढूंढ निकालूंगा और उसे ऐसी मृत्यु दूंगा, आने वाली पीढ़ियां मेरे भय से अपनी माओ के कोख में कांप उठेंगी। अनाज और आभूषण के साथ ढेर तैयार है, कृपया आप इन्हें ग्रहण करें और हमारे लल्ला को असीमित आशीर्वाद प्रदान करें। ब
बालक आयुष्मान हो। आप सभी प्रसन्न रहें, आपके समस्त कुल पर श्री नारायण की विशेष कृपा हो। अरे भैया लो। ना जीजी, मेरा लल्ला अब तक भूखा है। नंदराज, अब आप जमुना में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके डुबकी लगाओ और जब मैया और बालक स्वच्छ और शुद्ध हो जाएंगे तत्पश्चात यशोदा रानी अपने लल्ला को दूध पिला सकती है। ये है मैया, केवल एक ही चिंता है इन्हें, कैसे अपने लल्ला को दूध पिलाए, कैसे उसकी भूख मिटाए। यही तो है वो ममता जिसके लिए आपने ये जन्म लिया है प्रभु। देख कष्ट मैया का व्याकुल हो नन्हे कन्हैया, जग सम्मुख पर इनको दिखे बस यशोदा मैया, दिखे बस यशोदा मैया। कहते हैं नारी का जीवन मैया बने बिना अधूरा होता है, मैं कब से अधूरी थी, तेरे लिए तड़पती थी, नारायण से प्रार्थना करती थी और सोचती थी नारायण मेरी आस पूरी क्यों ना कर रहे। किंतु प्रतीक्षा का फल मीठा होता है, देर से दियो पर जिसे दियो है वो जग में सबसे निराला है। तूने मेरा जीवन सार्थक कर दियो लल्ला, नारायण का बहुत बहुत आभार और तेरा भी जो तूने मुझे अपनी मैया के लिए चुनो है। आभार आपका जो आपने मुझे अपनी ममता का अनुभव करने का अवसर दिया मैया। यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया। आज मैं तुझे वचन देती हूँ लल्ला, सदैव सबसे अधिक प्रेम तुझसे करूंगी, स्वयं से पहले, समस्त संसार से पहले तेरा हित रखूंगी, सदैव तेरे साथ रहूंगी, तेरा ध्यान रखूंगी, तेरी रक्षा करूंगी। आज से तेरा हर कष्ट मेरा है लल्ला। हाँ थोड़ी पगली अवश्य हूँ, किंतु तेरे लिए संसार की सबसे अच्छी मैया बनने का प्रयत्न करूंगी मैं। जानती हो मुझे क्या लगता है मैया, संसार के सबसे अच्छे मैया लल्ला बनेंगे हम दोनों, सबसे अनोखे सबसे न्यारे। वर्षों तक सभी हमारी बात करेंगे,
एक माँ की निर्मल ममता और संतान के लिए उसके प्रेम की जब भी चर्चा होगी हमारा उदाहरण दिया जाएगा मैया। मुझे पाकर आप भाग्यशाली नहीं हुई मैया, मैं आपको पाकर भाग्यशाली बन गया हूँ। आपकी ममता, आपका दुलार, आपकी डांट, रूठना मनाना सब स्वीकार है मुझे, क्योंकि मुझे आपकी ममता का अनुभव करना है।